आपको मालूम हो, एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद ये सरकार को अक्कल आई। जब सभी ने आवाज उठाया है तब ये अक्कल आई है अग्निवीर। इस प्रकार की योजना इसराइल में भी है, आपको मालूम होगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की योजना है। लेकिन आज भी इसराइल जमीनी युद्ध नहीं लड़ पा रहा, सिर्फ एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों से किसी भी युद्ध को नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों से कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकता। आपने रशिया और यूक्रेन युद्ध में देखा, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला आर्मी था वो पुतिन के खिलाफ चला गया उधर। तो ये जो चल रहा है ना, ये चुनाव तक सब चलेगा ना, चले। थैंक यू। अजीत पवार का फंड, मतलब रोक के देवेंद्र फडणवीस कंट्रोल कर रहे हैं अजीत पवार को, और कहा जाते हैं मैं क्या पिनाकी मिश्रा जी को ऐड किया है बीजेपी ने, मोहम्मद मुत्रा और पिनाकी मिश्रा, इन दोनों का बताया इन सारी चीजों में मोहम्मद मुत्रा के केस में, तो उसको आप किस तरह से देखना पड़ेगा? ये मुद्दे बहुत लीगल मुद्दे बन गए हैं, टेक्निकल मुद्दे बन गए हैं, मुझे चेक करना। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया कि 500 राज्य में कांग्रेस आ रही है जो चुनाव, और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि पहले ऑप्शन नहीं था लेकिन अब इंडिया अलायंस ऑप्शन है, क्या किस तरह से देखें? बात ऐसी है, खड़गे साहब ने जो कहा है 5 ही राज्यों में कांग्रेस आ रही है, मैं स्वागत करता हूं। सभी राज्यों में यही माहौल है। मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा, ये 5 ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इंडिया जीत रही है। 5 ही राज्यों में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, भाजपा तेलंगाना में तो है ही नहीं, कल वापस किसी की घर वापसी की है तेलंगाना में, मिजोरम में, ये 5 ही राज्यों में भाजपा पूरी तरह से और पूरी तरह से उनका सफाया हो रहा है। और इस सभी राज्यों में कांग्रेस बड़ी पार्टी है आज भी, तो कांग्रेस की सत्ता बनेगी। मैं मानता हूँ कांग्रेस की सत्ता यानी इंडिया की सत्ता है। मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान ने, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से शिवसेना के 2 पार्ट हो गए महाराष्ट्र में, उसी तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भी 2 पार्ट हो गए हैं, और ये जो अलायंस है इंडिया अलायंस, इसका भी कुछ नहीं। देखिए, शिवराज मामा चौहान है, वो मामा है। अब ये मामा जो बोल रहा है वो 4 दिसंबर के बाद मामा की बोलती बंद होने वाली है। शिवसेना की चिंता आप मत करें मामा जी, हम सक्षम है। शिवसेना क्या है अगर आपको देखना है तो कल मुंबई में आइए और शिवसेना की दसरा रैली देखिए, और मामा जी को कहिए, मैं मामा जी को कहना चाहता हूँ, दिल्ली में जाइए और आपके जो नेता है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को कहिए कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लेने का हिम्मत करिए आप। हिम्मत? मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे, चुनाव से डरने वाले हमको कहते हैं ये गलत है। मामा की क्या हालत, उनके हाईकमांड ने बनाई है सबको।